आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन कोई खुश मिजाज इंसान नहीं थे, दूसरे विद्वान से उनकी बनती नहीं थी और जीवन के संध्याकाल में ज़्यादातर वे सभी से उलझते रहे। प्रिंसिपिया मैथमेटिका भौतिकी में कभी भी लिखी गई निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली पुस्तक के प्रकाशन के बाद न्यूटन को शीघ्र ही सार्वजनिक रूप से विशिष्ट ख्याति प्राप्त हो गई। उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नाइट की उपाधि से विभूषित किया गया। न्यूटन जल्दी ही राजकीय खगोल शास्त्री जॉन फ्लैमस्टीड से भिड़ गए। फ्लैमस्टीड ने पहले प्रिंसिपिया के लिए आवश्यक आंकड़ों की काफ़ी आधार सामग्री जुटाई थी, परंतु अब न्यूटन जिस सूचना सामग्री को चाहते थे वह उसे उपलब्ध करवाने से इनकार कर रहे थे। न्यूटन किसी प्रश्न के उत्तर में ना सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आदि भी नहीं थे। उन्होंने स्वयं को राजकीय वेधशाला की संचालन समिति का सदस्य नियुक्त करा लिया तथा फिर आंकड़ों के तत्काल प्रकाशन के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने फ्लैमस्टीड के शोध कार्य को जब्त किए जाने की कार्रवाई को तथा फ्लैमस्टीड के विकट शत्रु एडमंड हैरी द्वारा इस शोध कार्य को प्रकाशित करवाने की तैयारी की, परंतु फ्लैमस्टीड मामले को अदालत में ले गए और ऐन मौके पर चुराए हुए शोध कार्य के वितरण को रोकने के लिए न्यायालय का एक आदेश प्राप्त कर में सफल हो गए। इसे न्यूटन और क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रिंसिपिया के बाद के संस्करणों में फ्लैमस्टीड के सारे संदर्भ क्रमबद्ध तरीके से हटाकर अपना प्रतिशोध दिया। उनका एक और अधिक गंभीर विवाद एक जर्मन दार्शनिक गॉटफ्रीड लीबनिट्ज के साथ हुआ। लीबनिट्ज और न्यूटन दोनों ने स्वतंत्र रूप से गणित की एक शाखा कैलकुलस विकसित की थी जो अधिकांशतः आधुनिक भौतिकी का आधार है। हालांकि अब हम यह जानते हैं कि न्यूटन ने लीबनिट्ज से बरसों पहले कैलकुलस की खोज कर ली थी, फिर भी उन्होंने अपने कार्य को काफ़ी बाद में प्रकाशित करवाया और फिर बाद में इस बात पर कि दोनों में से कौन पहला था एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। वैज्ञानिक दोनों प्रतियोगियों का प्रवरता से बचाव कर रहे थे। बहरहाल एक अद्भुत बात यह है कि न्यूटन के बचाव में प्रकाशित होने वाले अधिकांश लेख मूलतः उन्हीं के द्वारा लिखे गए थे और मित्रों के नाम से केवल उन्हें प्रकाशित किया गया था। आज की जनरेशन ही चीटर नहीं है? जैसे ही यह विवाद गहराया, लीबनिट्ज ने इस विवाद को सुलझाने के लिए रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष समक्ष अपील करने की गलती कर दी। अध्यक्ष के रूप में न्यूटन ने जांच पड़ताल करने के लिए एक निष्पक्ष समिति नियुक्त कर दी। इससे बड़ा व्यंग और कोई नहीं होगा जो संयोग से पूर्ण रूप में न्यूटन के मित्रों की बनी हुई थी, परंतु यही पर्याप्त नहीं था। न्यूटन ने फिर उस समिति की रिपोर्ट भी स्वयं ही लिखी और आधिकारिक रूप से लीबनिट्ज पर साहित्यिक चोरी का दोषारोप करते हुए रॉयल सोसाइटी से इसका प्रकाशन करवाया। इतने पर भी संतुष्ट न मिलने पर रॉयल सोसाइटी की अपनी आवधिक पत्रिका में उन्होंने फिर उस रिपोर्ट की एक गुमनाम समालोचना लिखी। लीबनिट्ज की मृत्यु के बाद यह बताया गया कि न्यूटन ने यह ऐलान किया था कि लीबनिट्ज का दिल तोड़ देने में उसे बड़ी राहत मिली थी। इन दोनों विवादों के दौरान न्यूटन पहले ही कैम्ब्रिज और अकादमी छोड़ चुके थे। पहले कैम्ब्रिज में तथा बाद में संसद में भी वह कैथोलिक विरोधी राजनीति में सक्रिय रहे थे और अंततः उन्हें शाही टकसाल के वार्डन के लाभकारी पद पर नियुक्त कर पारितोषिक दिया गया था। यहाँ उन्होंने जाली सिक्के बनाने की धोखाधड़ी के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक बड़ा अभियान चलाकर तथा उन अनेक लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर सार्वजनिक सामाजिक रूप से और अधिक स्वीकार रूप में कुटिलता तथा कटु आलोचना के प्रति अपनी प्रतिभा का उपयोग किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ये भी